मिश्रा से आप लोग सीखिए, एके मिश्रा से आप लोग सीखिए, एके हाँ हो गया हो गया हो गया, रावत जी 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 हो गया। यहाँ पर एके मिश्रा इशारा कुछ इस तरह का कर रहा है। देखिए चाहे चौधरी साहब हो, सपा बसपा कोई भी हो, मेरा किसी से वैर नहीं है और हम इसको केवल चुनावी एजेंडे की तरह डिबेट करते हैं। जब आप सत्ता में नहीं होते हैं तो आप बड़े कमजोर होते हैं, ये समझ लीजिए। दो गैर माया मिली नाम, कुछ नया करिए, स्ट्रेटजिक इनोवेशन करिए। एक्सपीरियंस हैज नो वैल्यू इन मॉडर्न पॉलिटिक्स, इट्स इनोवेशन। अन्वेषण करिए, नया चीज सोचिए। 3 सीट से इन्होंने एग्जाम्पल लिया था और इसी को मैं बोलता हूँ पोलिटिकल मायोपिया। ये लोग मायोपिक है। आज ये फिर सोच रहे हैं कि विपक्ष की सारी पार्टियां जो डिबेट को मैनेज नहीं कर पा रही है, डिबेट छोड़ के जो भाग गई, आप हार गए बात दूसरी है। हारने का मतलब ये नहीं है कि आप संवाद बंद कर दीजिए। आप जनता को कैसे कन्विंस करोगे साहब, आप 1 महीने से तो डिबेट पे नहीं आ रहे हो, कोई लॉजिक नहीं है, किस लिए छुट्टी पे, हॉलीडे पे साहब। अब इलेक्शन का माहौल बहुत माइक्रो लेवल पे बदल गया है, आप लोग समझिए। 5 साल 7 साल हो गए हार के, हर बार आप बोलते हो हम जीतेंगे हम जीतेंगे हम जीतेंगे, हर बार आपके जो है मंत्र होते हैं वो फेल हो जाते हैं। आपका मंत्र कोई कमाल नहीं दिखा रहा है, लेकिन तो क्या गारंटी है? हाँ, लेकिन देखिए एके मिश्रा जी जो कि जाने माने पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। पहला सवाल एके मेरा आपसे ही होगा, 12 सीटों का उपचुनाव हर लिहाज से, चूंकि मौजूदा योगी सरकार के लिए छमाही का इम्तिहान कहा जा रहा है, इस लिहाज से आप कैसे देखते हैं? बीएसपी के लिए क्या किसी तरह से पॉलिटिकल रिवाइवल का लॉन्च पैड होगा, इस लिहाज से आप कहां पर देखते हैं? समाजवादी पार्टी नेपथ्य में इस वक्त नजर आ रही है और कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है, इन सभी के लिए 12 सीटों का ये उपचुनाव क्या मायने रखता है? देखिए राशिद, मैं आपको बताऊं, 12 सीटों का यह चुनाव अब की बार जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और जो पार्टी इसको सबसे सीरियस ले रही है नंबर वन पे, वो है बीजेपी। पिछली बार जब उपचुनाव हुए थे फूलपुर वगैरह के, जो हुए थे कैराना वगैरह के, उसमें आप ये देखिए बीजेपी की जो सेंट्रल कमांड थी वो उतनी इन्वॉल्व नहीं थी, वहां लोकल लोगों के भरोसे उन्होंने छोड़ दिया, उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री और लोकल लीडर ने मैनेज किया। इसके पीछे रीजन है बीजेपी क्यों इतनी सीरियस है। बीजेपी देखिए राज्यसभा वगैरह में भी अब इन्होंने जो है एक तरीके से पत्ता सब जगह लोकसभा में साफ कर दिया। अब ये माइक्रो लेवल पे मतलब 12 सीटों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, अब ये चाहते हैं कि एक एक जगह पे हमारा कमांड हो, हमारा वर्चस्व एक एक जगह पे हो। इसके लिए 12 सीटें इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राज्यसभा वगैरह के भी अगर आगे इलेक्शन होंगे तो ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा साइकोलॉजिकल असर ये पड़ता है कि अब की बार अगर ये 12 सीटें या मैक्सिमम सीटें बीजेपी जीत गई तो ये करेगी क्या ना, कि विपक्ष के लिए ये क्या होगा, एक सदमा होगा। एक कहावत जो बोलते हैं कि ऊंट की जो कमर होती है उसको तोड़ने के लिए अंतिम तिनका जो रखा जाता है, इसीलिए बीजेपी की इतनी चहल पहल दिख रही है अभी से तैयारी। आपने अनुसूचित जाति जनजाति को मिलाने का ये जो ट्रांसफर करने का किया है, ये सब उसकी देखिए अभी से तैयारी, रणनीतिक तैयारी है। विपक्ष की बात करते हैं, देखिए मायावती जी के साथ क्या है, जो कभी भी उपचुनाव को ध्यान नहीं देती थी, अब उनके पास बचा ही क्या है? आप मुझे यूपी में बताइए, विपक्ष के पास सपा बसपा के पास क्या बचा है? तो अब वो एक तरीके से नए तरीके से भाई 12 में से 4 सीट, ये जो आपने बोला है अभी, ये जो अभी आपने बोला है ऊंट की पीठ पर तिनका, ये धर्मवीर चौधरी के लिए बोल रहे हैं ना? नहीं नहीं, मैं सारे विपक्ष के लिए, देखिए मैं कांग्रेस के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सपा बसपा उसके पीछे लॉजिक है। देखिए मैं अभी भी बता दूं, एक लाइन मुझे और बोल लेने दीजिए, जैसे नाग का फन अगर कुचल दे ना तो फड़फड़ाता क्या है, पूंछ फड़फड़ाती है उसकी। ये हालत विपक्ष की हो गई है, ये अभी भी काम वैसे नहीं कर रहे हैं जैसे इनको करना चाहिए। धर्मवीर चौधरी जी, आपको अपनी पीठ भी बचानी है, आपको अपनी पूंछ भी बचानी है। यहाँ पर एके मिश्रा इशारा कुछ इस तरह का कर रहा है। बहन कुमारी मायावती के मानने वाले लोग, मानवर काशी राम साहब के मानने वाले लोग, सब समझ गया मैं। ठीक है समझ गया मैं। व्यवस्था परिवर्तन समझ गया मैं। दो गए माया मिली न राम, आज की हालत वो है। अच्छा मैं बताता हूँ ना, ओके ठीक है। अरे धर्मवीर चौधरी जी, सपा के साथ अगर इनका तालमेल नहीं होता, मैं हिंदू नहीं हूँ, जाट हूँ, जाट सुन लो, मेरे खाने जाट क्या हिंदू नहीं होते, जाट हिंदू नहीं होते क्या? सनातन धर्म को मानने वाला, बात तो सुन लो, जाट वर्ग में पैदा हुआ हूँ, बात सुन लो, जाट होते जाट होते बहन जी एक मिनट रुक जाइए, एके को बीच में आने दीजिए और मेरी एक बात सुनिएगा आप लोग।
देखिए धर्मवीर चौधरी जी, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की आप बात करते हैं ना, तो डिबेट हिताय और डिबेट सुखाय की भी बात करें, कुछ ऐसा हित में बात करें, जनता के हित में। एक मिश्रा से आप लोग सीखिए, एक मिश्रा से आप लोग सीखिए, एक मिश्रा से आप लोग सीखिए, एक हाँ हो गया हो गया हो गया, रावत जी 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 हो गया। एक चीज ये समझाइए, जब अखिलेश से अलग हट करके राह जुदा है तो ऐसे में मायावती मजबूत है या कमजोर है? नहीं, मुझे ये लगता है ना कि देखिए बात अखिलेश से हट करके, भाई अगर मायावती मजबूत होती तो अखिलेश के साथ वो मजबूत नहीं हो पाई, तो अपने आप ये बताता है। यहाँ पे चैलेंज एक चीज है, मैं बताता हूँ, देखिए चाहे चौधरी साहब हो, सपा बसपा कोई भी हो, मेरा किसी से वैर नहीं है और हम इसको केवल चुनावी एजेंडे की तरह डिबेट करते हैं। देखिए चाहे चौधरी साहब हो, सपा बसपा कोई भी हो, मेरा किसी से वैर नहीं है और हम इसको केवल चुनावी एजेंडे की तरह डिबेट करते हैं। सवाल यह है, समय बदल गया है, लोगों के प्रेफरेंस बदल गए हैं, आपका जो विरोधी है कॉम्पिटिटर जो सत्ता में है बीजेपी, वो भी बदल गया है, लेकिन आप लोग अभी नहीं बदले हैं। आपकी सारी बातें, आपकी सारी रणनीति अभी वही है जो 20 साल पहले आप लोग जैसे चुनाव का प्रबंधन करते थे वैसे ही कर रहे हैं। मैं जितने भी विपक्ष के नेता हैं सबकी बातें मैं देख रहा हूं, सब वही चीजें कर रहे हैं। अब जैसे ये देखिए हमारे चौधरी साहब बैठे हैं, अरे सर कुछ और बातें करिए ना, 20 साल पहले से जब से आपकी पार्टी पैदा हुई है यही बात कर रही है, इसको सुन सुन के लोग पक गए हैं। आपके पास कोई नया मटेरियल है वोटर को रिझाने के लिए, कोई नई स्ट्रेटजी है कैसे करेंगे? ग्राउंड लेवल पे आप लोग काम ही देखिए, केवल अभी एक दो पार्टियों ने, बीजेपी ने फिर से शुरू कर दिया मुस्लिम महिलाओं को मेंबर बनाना। आपने क्या किया सर? आपको मेंबर बनाने की जरूरत नहीं है, 20% आपका जो वोट बैंक है मान लीजिए मोटा मोटा, उसके बाद जीतने के लिए 32-33% चाहिए, 12-15% वोट आप कहां से लाएंगे? कुछ एक्स्ट्रा सोच रहे हैं कि बस यही सोच करके कि मनुवाद की प्रशंसा करके या बुराई करके हम जीत जाएंगे? यहां तक पहुंच गए हैं सर, कुछ नया करिए, स्ट्रेटजिक इनोवेशन करिए। एक्सपीरियंस हैज नो वैल्यू इन मॉडर्न पॉलिटिक्स, इट्स इनोवेशन। अन्वेषण करिए, नया चीज सोचिए, कुछ नया करिए, स्ट्रेटजिक इनोवेशन करिए। एक्सपीरियंस हैज नो वैल्यू इन मॉडर्न पॉलिटिक्स, इट्स इनोवेशन। अन्वेषण करिए, नया चीज सोचिए। आप देखिए बीजेपी ने वहां महबूबा मुफ्ती जी के साथ गठबंधन किया, ये कोई नई बात नहीं है, और अभी इन्होंने जो है राजभर साहब उत्तर प्रदेश में इनके साथ गठबंधन में थे, अब वो डंडा लेके घूम रहे हैं, तो ये गठबंधन सर वो हार तो नहीं रहे हैं ना, आप लोग तो गठबंधन तोड़ रहे हैं हारने के कारण, वो तो जीत रहे हैं। एकदम ठीक बात। मिश्रा जी आप एक बार बताइए कौन हार रहा है उत्तर प्रदेश में? ये 73 सीटें जीत करके आए थे पिछली बार, आज इनकी कितनी सीटें हैं? कौन हारा कौन जीता? अरे सर पिछली बार जितनी इनकी सीटें थी उससे ओवरऑल संसद में बढ़ गई है। अरे मैं आप इतना सिंपल गणित सर क्यों नहीं समझ पाते हैं? बात कर रहे हैं उनके पास ऑप्शन है सर, यूपी में 20 सीटें घटी, ऑल ओवर इंडिया से उन्होंने 40 सीटें गेन कर ली, उत्तर प्रदेश में गठबंधन में थे, नेट तो प्लस में है, गठबंधन में थे, ओवरऑल प्लस में सर, सिंपल आप लोग एक मिनट एक एक करके अगर बोलेंगे ज्यादा अच्छा होगा, एक ही अपनी बात पूरी कर लें आप। धर्मवीर चौधरी जी रुक जाइएगा आप, क्योंकि उसके बाद डॉक्टर रावत के पास भी जाना मुझे, एक ही बोल रहे अपनी बात। पॉलिटिकल इल्यूजन क्या है जो धर्मवीर सर बोल रहे हैं? भाई साहब इनकी बात आप सुनिए, ये ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं क्या? मतलब बीजेपी तो नेट प्लस में है ना, यूपी में 10 सीटें हार गए, 25 सीटें उन्होंने बाहर से ले ली, आपके पास क्या स्कोप है सर? आप कंटेंड हो, एक स्टेट में हो, आपके पास कोई स्कोप नहीं है, आपको वहीं जीना वहीं मरना है, उसके बाहर आप जा ही नहीं सकते हो। आप अपनी रणनीति को क्यों नहीं चेंज कर सकते हो सर? ये बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है, हमारा कर्नाटक में भी एमएलए है सर, मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ, एक सीट प्रदेश में भी एक सीट और एक वोट से सरकार हार जाती है, कैसे बात कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं? 30% पाने वाला भी 10वीं में गया, 50% और 80%, ये कॉम्पिटिशन है सर, एक नंबर से फेल या पास होता है। बिल्कुल जैसे मिश्रा जी ने कहा अपनी बात कह दी। विवेक जी जल्दी से जवाब दीजिए, मुझे एक के पास जाना है। विवेक जी आप रुक जाएं, धर्मवीर चौधरी जी आ रहा हूं। देखिए अमूमन एक बात कही जाती है कि बाई इलेक्शंस का एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न किसी के साथ में होता है और किसी के खिलाफ होता है। दो तीन चीजें हैं, देखिए 2.5 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी बीजेपी के लिए काम कर रही है, साथ ही साथ में पैरेलल यूपी में। और एक और बात है कि 2014 के आम चुनाव में भारी जीत के बाद भी बीजेपी को बाई इलेक्शंस में हार का मुंह देखना पड़ा था, विधायकों ने संसदीय चुनाव जीता था, 12 सीटों पर चुनाव हुए, बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के हाथों 8 सीटें गवा दी थी, और यही बात मैंने 2018 को लेकर के भी बोला हुआ है। ये बाई इलेक्शन का पैटर्न क्या यूपी में बीजेपी के लिए अलार्मिंग है?
बिल्कुल ये अलार्मिंग नहीं है, बल्कि ये उनका स्ट्रेटजिक टास्क है राशिद, मैं आपको बताऊं। देखिए है क्या, अब इनको करना क्या है, इनको करना है कि राज्यसभा में या लोकसभा वगैरह में या ग्राउंड लेवल पे मजबूत हो पार्टी 360 डिग्री से। तो उसके लिए इनके पास क्या है कि जितने ज्यादा ये सीटें जीतते जाए किसी भी स्टेट में, चाहे एमपी का हो चाहे जो भी हो, ये हर इवन नगर पालिका वगैरह में भी ग्राम प्रधान का भी होगा तो वो सोचेंगे कि हमारे फेवर वाले कैंडिडेट हो। देखिए फर्क क्या है, मैं आपको बताता हूँ। आपने सही बोला, बाई इलेक्शन का जो मिजाज होता है वो अपना अलग होता है। तीन सीट ये जीत गए थे उस पर सपा बसपा के लोग बोल रहे थे कि हम नेशनल लेवल पे जीतेंगे, 300 सीट 400 सीट ले आएंगे, हमारी सरकार बनेगी। तीन सीट से इन्होंने एग्जाम्पल लिया था और इसी को मैं बोलता हूं पॉलिटिकल मायोपिया। ये लोग मायोपिक है। आज ये फिर सोच रहे हैं कि विपक्ष की सारी पार्टियां जो डिबेट को मैनेज नहीं कर पा रही है, डिबेट छोड़ के जो भाग गई, आप हार गए बात दूसरी है, हारने का मतलब ये नहीं है कि आप संवाद बंद कर दीजिए। आप जनता को कैसे कन्विंस करोगे साहब, आप एक महीने से तो डिबेट पे नहीं आ रहे हो, कोई लॉजिक नहीं है, किस लिए छुट्टी पे, हॉलीडे पे। एक पार्टी है कुछ, इसमें पीएसपीएल की भी मैं तारीफ करता हूँ, चुनाव हारने के बाद वो एक्टिव है, मेंबरशिप वगैरह ही है। यहाँ इनके नेता कहीं घूम रहे हैं, बहन जी अब जागी है, कहीं मीटिंग वीटिंग कर रही है। साहब अब इलेक्शन का माहौल बहुत माइक्रो लेवल पे बदल गया है, आप लोग समझिए। 5 साल 7 साल हो गए हार के, हर बार आप बोलते हो हम जीतेंगे हम जीतेंगे हम जीतेंगे, हर बार आपके जो है मंत्र होते हैं वो फेल हो जाते हैं। आपका मंत्र कोई कमाल नहीं दिखा रहा है, लेकिन तो क्या गारंटी है। हाँ, लेकिन देखिए साहब अब इलेक्शन का माहौल बहुत माइक्रो लेवल पे बदल गया है, आप लोग समझिए। 5 साल 7 साल हो गए हार के, हर बार आप बोलते हो हम जीतेंगे हम जीतेंगे हम जीतेंगे, हर बार आपके जो है मंत्र होते हैं वो फेल हो जाते हैं। आपका मंत्र कोई कमाल नहीं दिखा रहा है, लेकिन तो क्या गारंटी है। हाँ, लेकिन देखिए ये भी बड़ी बात है, 9 साल बाद अगर उपचुनाव के लिए बीएसपी सामने आती है तो मजबूर हो गए हैं। ठीक है, धनवीर चौधरी जी, बीएसपी जीत जाती तो ये निकलते, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। धनवीर चौधरी जी, भूत की लंगोटी सही। देखिए मेरा आखिरी सवाल, इलेक्शन में हम चलेगा यूपी में, हम जाते हैं। हाँ ठीक है, ओके सर। देखिए राशिद, मैं आपको बताऊं, मैं कई बार बोला हूं इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और यूपी में धर्म और जाति सबसे बड़ा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है, यानी पोलराइजेशन का, वोटों को इकट्ठा करने का, वो धर्म होता है। आप ये देख, संसद में जय श्री राम के नारे, हर इलेक्शन में सारी पार्टियां ये कर रही है, चौधरी साहब बैठे हैं वो धर्म और जाति की बात कर रहे हैं, तो इसको तो हटाया नहीं जा सकता। अब जीत किसकी होगी, धर्म और जात के बाद एडेड स्ट्रेटेजिक चीजें कौन क्या ऐड कर रहा है। जब आप सत्ता में नहीं होते हैं तो आप बड़े कमजोर होते हैं, ये समझ लीजिए। बीजेपी आज जो 14-15 ये कितनी 19 लोगों को अनुसूचित जाति उसमें जो इन्होंने शिफ्ट किया है, जो ये क्या है, सत्ता का फायदा है साहब। आप ऑलरेडी इतने कमजोर हो गए हो कि आप मतलब चलिए ठीक है, कैसे करेंगे मुझे समझ नहीं आ रहा।